क्या सलमान की राधे में उनकी रूमर गर्लफ्रेंड भी होने वाली है? क्या राधे में लगने वाला है तीन हसीनाओं का तड़का? क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज़, मैं सोनिका जयाल। जी प्लेक्स के साथ सलमान खान की राधे योर मोस्ट वॉन्टेड भाई रिलीज होने वाली है। इसके लिए फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। सिनेमाघरों के साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म जी फाइव पर भी 13 मई को ये फिल्म रिलीज होगी। राधे में सलमान के साथ दिशा पाटनी के अलावा जैकलिन तो है ही, लेकिन अब खबर आ रही है कि सलमान की रूमर गर्लफ्रेंड भी इस फिल्म में होगी, लेकिन ऑफ कैमरा। जी हाँ, यूलिया वेंटूर इस फिल्म में होंगी। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट की माने तो सूत्रों ने बताया कि सलमान खान की राधे में कुल 4 गाने हैं, जिसमें से 2 यूलिया वेंटूर द्वारा गाए गए हैं। इस बड़ी फिल्म में सलमान खान ने दोस्त और कथित गर्लफ्रेंड यूलिया वेंटूर को मौका दिया है। इससे पहले भी यूलिया सलमान खान की फिल्म के गाने गा चुकी हैं। वहीं हाल ही में रिलीज हुआ सीटी मार गाना भी कमाल खान और यूलिया वेंटूर ने गाया है। इसके अलावा एक अन्य सॉन्ग भी है जिसमें यूलिया वेंटूर द्वारा गाना गाया जाएगा। इस गाने का झूम झूम नाम है और जिसमें ऐश किंग और यूलिया की आवाज़ आपको सुनाई देगी। राधे से हाल ही में रिलीज़ किया गया गीत सीटी मार यूलिया वेंटूर द्वारा ही गाया गया है, जो कि काफ़ी हिट साबित हुआ है। अब तक इसे 50 मिलियन व्यूज़ मिल चुके हैं। हाल ही में राधे का नया गाना दिल दे दिया भी रिलीज़ कर दिया गया है और इसमें जैकलिन और सलमान खान ठुमकते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि फिल्म का वजन दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। वहीं फैंस घर बैठे इस फिल्म का लुत्फ़ उठा पाएंगे। राधे सिनेमाघरों के साथ साथ OTT पर रिलीज़ होगी। इसकी टिकट का रेट है 249 रुपये, तो आप घर बैठे अपनी ईद खुशामदी से मना सकते हैं। आधे ये फिल्म 13 मई को सिनेमाघरों में भी रिलीज होगी। वैसे आप क्या करने वाले हैं, थिएटर्स में जाएंगे इस फिल्म को या OTT पर घर बैठे ही इसका लुत्फ उठाएंगे, हमें ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को।